Bye-bye. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव। मैं हूं विजयलक्ष्मी। राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करेंगे सुनील दंगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले चरण के नामांकन के बाद प्रचार प्रसार को गति मिल चुकी है। आज वार्ड 7 भोजला से समता समाधान पार्टी के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी एड सुनील दंगा उर्फ संजीव भैया व जौहरी बुजुर्ग से निर्दलीय प्रधान पद के प्रत्याशी हरीश चंद्र राजपूत अपने समर्थकों के साथ लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिला पंचायत व गांव में बहुत सी सरकारी योजनाएं बहुत काम आती हैं। अगर आती भी हैं तो यहां के निवासियों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है और वो लाभ से वंचित रह जाते हैं। नए रोजगार सृजन की ओर कार्य किए जाएंगे। शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गाँव में पेयजल की समस्या है जिसे दूर किया जाएगा। हर गरीब को आवास दिलाने का काम किया जाएगा। अच्छी सड़कें होंगी, सफाई का विशेष ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इन सभी समस्याओं को देखते हुए निश्चय किया गया कि अब राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करेंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस अवसर पर मनोज कुमार राजपूत, पुरुषोत्तम राजपूत, विनोद प्रीतम, सुरेश अहिरवार, राम सिंह राजा, मनीष भूपेंद्र अहिरवार, योगेंद्र राजा आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। झांसी से प्रदीप की रिपोर्ट। ग्राम प्रधान आप नगर वासियों के लिए क्या करेंगे? गांव वालों, नगर वासियों के लिए हमको सबके लिए परेशानियां दूर करनी है, क्योंकि हमारी जनता बहुत परेशान हो चुकी है। 50 साल से हम देख चुके हैं कि झूठा ही झूठा कह करके सबको लूटा जा रहा है। दूसरी चीज, अब हम झूठा बोल करके हम लूटना पसंद नहीं करते हैं, करके दिखाएंगे जब जनता अपने आप हमें आश्वासन और विश्वास मांगेगी। आप गांव वालों के लिए मतलब क्या क्या नई नई योजनाएं रखेंगे? नई नई योजनाएं ये होती हैं, बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, गांव में सफाई रहनी चाहिए, रास्ताएं सही होना चाहिए जनता के लिए, वाहन के लिए। किसान को तो ट्रैक्टर का काम है तो उनकी रास्ताएं सब चौक है पूरी, बाहर को कहाँ चलाएंगे? पूरे गांव के बाहर देखिए आप, किसी को वाहन ले जाने के लिए रास्ता नहीं है। हमारा हरिश्चंद्र राजपूत जौहरी बुजुर्ग ग्राम प्रधान पद हेतु जनता की सेवा के लिए अवसर लिया है। आप ग्रामवासियों से क्या क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो ग्रामवासियों से ये कहते हैं कि अभी कुछ करके झूठ बोल करके हमको वोट की जरूरत नहीं है। हमें तो जब आपका काम करके दिखाएं तब आपकी संतुष्टि हो जाए, तब हमें आप समझना कि हाँ हमारा प्रधान हमारे लायक है। इसी के लाने हमारा समर्थन है। किसान भाइयों को सबको हम सहयोग करेंगे। समता समाधान पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार जी भी सहयोग करेंगे। सुनील कुमार और संजीव भैया। कहाँ से हैं आप? जौहरी बुजुर्ग से। जौहरी बुजुर्ग से कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आप? जिला पंचायत वार्ड नंबर 7 भोजला। जिला पंचायत चुनाव, आप जीतने के बाद क्या क्या करेंगे? मेरा जीतने के बाद मेरा कोई लक्ष्य नहीं है चुनाव लड़ने का, मगर हमारी समता समाधान पार्टी गांव-गांव बिजली पहुंचाने का, सड़क बनवाने का और गरीबों को आवास दिलाने का और कहीं नाली जो भी समस्याएं हैं हम गरीबों का पूरा उद्धार करने का हमारी समता समाधान पार्टी काम करेगी और 2022 में हमारी समता समाधान पार्टी अपनी सरकार भी बनाएगी। और हमारा लक्ष्य कोई चुनाव का नहीं है, ना ही हमें कोई राजनेता बनना है। लोकतंत्र के हिसाब से ये सब भ्रष्ट पार्टियां चल रही हैं, उन पार्टियों से हमें कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारी समता समाधान पार्टी एक नई आई है, उस न्यू पे हमें काम करना है। और मेरा जिला पंचायत बनने का कोई लक्ष्य नहीं है, हमें ये देखना है गरीब के यहाँ कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं आवास नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो उस चक्कर में ये चुनाव में लड़ रहा हूँ, मेरा कोई राजनेता बनने का शौक नहीं है। और हमारी समता समाधान पार्टी इस काम को लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी और 2022 में अपनी सरकार ही बनाएगी, हम अपने विधायक भी उतारेंगे, ये मेरा लक्ष्य है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.